हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल स्नैक्स रेसिपी, जो है शकरपारा, या फिर आप बोल सकते हो शंकरपोली। तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट स्नैक्स है शंकरपोली, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वही रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर शंकरपोली बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े कप मैदा लिया है, यानी कि 400 ग्राम। और यहाँ पे दूध लिया है, 3 बड़े कप मैंने दूध ले लिया है। और 3 बड़े कप शुगर पाउडर ले लिया है, दूध जितना लिया है उतना ही शुगर पाउडर भी लेना है। 2 बड़े चम्मच सॉल्ट ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे 1 कप मैंने घी ले लिया है, मेल्ट घी। यहाँ पे हमें शकरपारा बनाने के लिए इन सामग्री बराबर क्वांटिटी में चाहिए। जैसे जैसे मैंने जी क्वांटिटी बताया, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए सामग्री, तो आपकी शकरपारा जो है वो परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पे जो शुगर पाउडर है, तो मैं दूध में शुगर पाउडर को ऐड कर दूंगी और दूध को गर्म कर दूंगी। तो दूध को हमें बस चलाते गरम करना है। अगर शुगर दाना दाना भी रह जाए तो वो मेल्ट हो जाए, तो इस तरह दूध में चला लेंगे और इसे 2 मिनट तक बस हल्का सा गरम कर लेंगे, जब तक शुगर जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए, पूरा शुगर पाउडर जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम मैदा ले लिया है मैंने, और नमक डाल दिया है, बस नमक को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद घी ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे बस घी पूरा ऐड कर दिया मैंने। आप इस स्टेप को बिल्कुल मिस मत कीजिए, शकरपारा में घी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी शकरपारा जो है वो बहुत ही खसखस बनेंगे, खस्ता बनेंगे। और यहाँ पे दोनों हाथ से बस मैं मैदे को अच्छे से मोयन दे दूंगी, बट जो है हमारा अच्छे से इनको दोनों हाथ से अच्छे से मोयन देना है। बस इस तरह एक हाथ में लड्डू टाइप इस तरह बंध लीजिए, तो समझ जाएंगे कि आपके आटा जो है मैदा वो अच्छे से मोयन हो गया है। और उसके बाद दूध जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो ज़्यादा गर्म बिल्कुल मत डालिए दूध जो है, अगर गरम डालेंगे तो शकरपारा जो है वो बहुत ही हार्ड बनेंगे, कड़क बनेंगे, तो इसीलिए उसे बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद ही दूध ठंडा ही डालना है, और दूध भी एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे दूध ऐड करना है, ज़रा ज़रा ऐड करना है दूध, और फिर मिक्स करना है, और पूरे दूध को इसमें मिक्स करना है। और इसको अच्छे से मसल मसल के अच्छे से एक डो बना लेना है। इसको जितने अच्छे से मसलेंगे उतना ही अच्छा आपका शकरपारा जो है वो उतना ही खस्ता बनेगा, उतना ही सॉफ्ट लगेगा खाने में। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो डो है बन चुका है, अच्छे से दोनों हाथों से मसल मसल के मैं डो को जो है बिल्कुल अच्छे से गून ले रही हूँ। बस हमारा शकरपारा बनाने के लिए जो डो है मैदे का वो रेडी हो गया। बस अभी से मैं ढककर रख दूंगी, कवर करके कम से कम 2 घंटे तक हमें इसे छोड़ देना है, 2 घंटे तक बस इसे छोड़ देना है हमें कवर करके। और 2 घंटे के बाद देखिए बिल्कुल कितना फूल के रेडी हो गया है, जो डो है वो डबल हो चुका है, जो हमारा डो था वो बहुत ही, आप वीडियो पोस्ट करके भी आगे जाके देख सकते हैं कि हमारा डो जो था वो बहुत ही कम था, बट 2 घंटे रखने के बाद अच्छे से सेट हो चुका है हमारा डो। और यहाँ पे बिल्कुल मैदा जो है वो डबल हो चुका है। तो बस अब लीचिया काट
कट कर लिया है मैंने, और इस तरह पेड़े बना लेने हैं, और पेड़े जो है वो बड़े बड़े और थिक पेड़े बनाने हैं, मोटे। तो शकरपारा जो है हमें पतला नहीं रखना है, शकरपारा बिल्कुल जितना मोटा रखे उतना ही अच्छा लगता है खाने में, खस्ता बनेगा। तो बस जो पेड़े हैं मैंने उसको एक बड़ा सा रोटी टाइप बना लिया, और इस तरह शंकर पोली बनाने के लिए, इस तरह कट करने के लिए आपको स्पून मिल जाएगा, बट मैं छुरी से ही कट करूँगी, छुरी से इजीली जल्दी से अच्छे से ही कट हो जाता है। और आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हो, स्क्वायर शेप, डायमंड शेप, या फिर राउंड शेप, कोई भी शेप आपको जो अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। मोस्टली शकरपारा जो है वो डायमंड स्क्वायर शेप में बनता है, तो और भी ज़्यादा दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी उतना ही अच्छा स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे मैं डायमंड शेप दे रही हूँ। छुरी से, नाइफ से आप कट करोगे तो अच्छे से जल्दी कट भी हो जाता है और शेप आपका जो है वो बिगड़ता भी नहीं है। तो परफेक्ट मेरा डायमंड शेप देखिए, बिल्कुल डायमंड शेप आ चुका है, काइट शेप। इसी तरह बस धीरे धीरे, ध्यान से धीरे धीरे कट कीजिएगा, तो आपकी जो शेप है वो डायमंड शेप बिल्कुल खराब नहीं होगी। अगर घाई घाई करोगे कट करने में तो फिर खराब हो सकता है शेप कट करने वक्त, लेकिन आप धीरे धीरे आराम से कट कीजिए, बिल्कुल घाई मत कीजिए, तो इस तरह डायमंड शेप आपके भी अच्छे से बन जाएंगे। तो बस इसे एक एक करके मैं निकाल ले रही हूँ और फिर इसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल जो है वो मीडियम फ्लेम में मैंने गरम कर लिया है 10 मिनट तक। और देखिए मैं जब शकरपारा जो है वो मैं डाल रही हूँ, तो तब तेल जो है वो नीचे ही बैठ जा रहा है, और उसके बाद किस तरह फूल के आ गया है, बस इसी तेल, इतना ही तेल गरम में अपने शकरपारा को फ्राई करना है। और बस इसे थोड़ा सा छन्नी के मदद से मिक्स कर लेना है और रोटेट करना है ताकि दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो, और स्लो फ्लेम में ही अभी से पकाना है। तो बस देखिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, लाइट गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, और स्लो फ्लेम में इसे पकाना है ताकि अंदर से बिल्कुल अच्छे से पके, अच्छे से फ्राई हो। और देखिए बिल्कुल इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है, और इसे बस लाइट गोल्डन कलर आ जाए तभी ही निकाल लीजिए, क्योंकि निकालने के बाद आपका जो शकरपारा की कलर है वो ऑलरेडी और भी डार्क हो जाती है, तो इसके वजह से। तो देखिए बिल्कुल खस्ता बनी है, और जितना आप थिक रखोगे उतने और उतना ही खाने में टेस्टी होगा। तो मेरे सारे शकरपारा जो है वो बिल्कुल बन गए हैं, बस इसी तरह शकरपारा जो है धीरे धीरे बस बना लीजिए, और बस लाइट गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद निकाल दीजिए, ज़्यादा मत फ्राई कीजिए, और जितना भी फ्राई करेंगे आप उसे स्लो फ्लेम में ही फ्राई करना है ताकि वो अंदर से भी अच्छे से फ्राई होए और अंदर से पके तो अच्छे से खस्ता और सॉफ्ट बने। और यहाँ पे देखिए मैंने स्क्वायर शेप भी कट किया है, तो आप चाहे तो स्क्वायर शेप भी इस तरह शेप दे सकते हैं शकरपारा को, वो शेप भी अच्छे लगती है देखने में भी। जो शेप आपको इजी लगे वो शेप आप दीजिए इसे, और बस आप ध्यान रखें कि शकरपारा जब फ्राई करोगे आप स्लो फ्लेम में ही फ्राई कीजिए ताकि वो अच्छे से अंदर से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो, अच्छे से पक जाए, और जस्ट लाइट गोल्डन कलर तक ही पकाना है, उसके बाद निकालना है छन्नी के मदद से, बस निकाल लेना है। और शकरपारा की जो जितनी भी मैंने मेजरमेंट क्वांटिटी बताई है बस उसी हिसाब से आप बनाइए, उसी हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। तो इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट आपकी शंकर पोली या फिर शकरपारा बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए हमारी शकरपारा जो है बिल्कुल बनके रेडी हो गई है,
बहुत ही सुंदर कलर आया है और बहुत ही खस्ता बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। और इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इस स्नैक्स को। मुझे लगता है दिवाली शंकर पोली के बिना बिल्कुल अधूरी है। स्पेशली मुझे ये शंकर पोली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्नैक्स है, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।